हेलो फ्रेंड्स, आप में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे को कमेंट्स किया कि बाहर की कंट्री में आना चाहते हो और मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये स्टडी है और मेरी ये ख्वाहिशें है और मैं बाहर की कंट्रीज में आके मैं ये चीज़ें कर पाऊँगा। ओके, उसमें से मैंने अभी दो वीक पहले की बात है, मेरे को एक व्यूअर ने एक बढ़िया सा क्वेश्चन किया ना कि फ्रेंड मेरे को बाहर कंट्री में आना है और मेरे को अर्निंग करनी है। ओके, और जो अर्निंग होगी उससे मैं अपने जो भी शौक है कि बाहर की कंट्री में घूमना चाहता हूँ वो मैं पूरा कर पाऊँगा। मैंने पूछा ओके तेरी ये चीज़ें नो डाउट, अभी तू क्या कर रहा है? उसने पूछा कि मैंने जो स्टडी थी BSc कंप्लीट की है और अभी मैं रिक्रूटमेंट में वो जॉब कर रहा था 15,000 रुपये महीने की। ओके, मैंने बोला सही है, तो वहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बाहर की कंट्री में आएगा तो करेगा, क्यों वहाँ रह के तू नहीं कर पाएगा? तो उसने पूछा, उसने मेरे को कहा कि फ्रेंड अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो भी मेरी कैपेबिलिटी है, वो मैं यहाँ पे अर्निंग नहीं कर पाऊँगा उतनी। मैंने बोला क्यों? तो उसने कहा कि अब्रॉड की कंट्री में अच्छा है कि आप बाहर जाओगे तो आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे और अर्निंग भी वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो आप यहाँ पे इंडिया भिजवाओगे या फिर कहीं भी जा सकते हो उस अर्निंग के हिसाब से, यानी कि आप उतना अर्निंग कर पाओगे, उसका माइंडसेट ये था। ओके, मैंने बोला कि देख फ्रेंड, रियलिटी कुछ और है और तू सोच कुछ और रहा है। देखो, हम में से सब लोग को इंडिपेंडेंट बनना है, सब लोगों को अर्निंग करनी है, सब लोगों को अपने शौक पूरे करने हैं। और ओके, तो मैंने उसको कहा कि देख फ्रेंड, रियलिटी कुछ और है और तू इंडिया में ऐसा क्यों नहीं कर पाता, वो चीज़ फाइंड कर, क्योंकि देख तेरे पास स्किल अगर होगी तो तू उतने लेवल तक तो अर्निंग कर ही पाएगा। देखो, वो 15,000 जस्ट BSc ख़त्म करने के बाद भी कमा रहा है, तो क्या वो अपने स्किल को अपग्रेड करके या फिर वो अपने स्किल को जो बढ़िया बनाकर क्या वो उस चीज़ में माहिर नहीं हो सकता? क्या वो उतनी अर्निंग इंडिया में भी नहीं कर सकता? कर सकते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इंडिया में भी अर्निंग करते हैं तो बाहर क्यों जाते हैं? ओके, बाहर आने का मेन मोटिव कुछ और होता है, लेकिन हम सब में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बाहर आके हम इतना अर्निंग कर पाएंगे और बस वही अब्रॉड वाली लाइफ आपको यहाँ पर खींच लाती है। ओके, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। देखो, दरअसल बाहर आने का बहुत सारे से रीज़न है, अच्छे गुड पॉइंट्स है, जैसे कि अगर आप बाहर आते हो तो फॉरेन एक्स जो भी कल्चर है उससे आप जो भी सीखते हो, जैसे कि अपना जो भी कॉन्फिडेंट बिल्ड करते हो या फिर लोगों के साथ जो घुलना मिलना है वो चीज़ें हैं, और जो भी जैसे कि आप बहुत ही बढ़िया नॉलेज ले सकते हो दूसरी कंट्री में आके, उसकी जो स्टडी है वो लेते हो, तो स्टडी पैटर्न्स अलग है, उनका माइंडसेट अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी हैबिट्स अलग है। ओके, तो ये सारी जो नई चीज़ें आप सीखोगे या फिर आप इंडिया जाओगे या फिर चलो बाद में ये यहीं पे भी रहो, लेकिन जो भी सीखते हो वो ओवरऑल आपके डेवलपमेंट पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना एफर्ट देते हो। अगर आप इंडिया में भी हो तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो, अगर आप इंडिया में रह के भी अभी अगर अपने आप को डेवलप कर पाते हो, अगर आप स्किल्स को डेवलप करते हो, ओके, तो आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं, आप वहीं रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, देखो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप वहीं पे रहो और ये अब्रॉड में आओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको आना है नो डाउट आप आ सकते हो, लेकिन आप अच्छे से विजन के साथ आओ कि आपको कुछ जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी और जो आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आपको वो बनना पड़ेगा। ओके, ऐसा खाली फुकड़ ऐसे ही मत आओ कि आपने पैसा उतना डाला, स्टडी कर रहे हो और फिर उसके हिसाब से आप बस आ रहे हो पैसा कमाने के लिए। पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि मैंने शुरू में मेरा भी मोटिव ऐसा ही था कि हम आए तो पैसा भी कमाएंगे वो करेंगे। देखो, अगर आप पैसे कमाने जाओगे तो स्टडी नहीं हो पाएगी और स्टडी करने जाओगे तो उतना अर्निंग भी नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमेशा अपनी स्किल्स को डेवलप करनी चाहिए और स्किल्स के हिसाब से ही आपको जो भी होगा, आपके स्किल के अगर आपके पास स्किल होगी ना तो आप कहीं पर भी जाओ आप अर्निंग कर पाओगे, आप जितना चाहो आप उतना अर्निंग कर पाओगे, जस्ट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस स्किल्स और जो आपका जो भी बोलते हैं कि भाई अंदर से जो आग होनी चाहिए बस वो होनी चाहिए। तो दोस्तों यही था पूरा वीडियो का मोटिव। तो अगर आप भी
ऐसा सोच रहे हो कि आपके अंदर भी वो स्किल है और आप कुछ कर सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में आप लिखिए, और अगर ये वीडियो लाइक अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।